हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हेयर माई नेम इ तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो कि मुझे बहुत पसंद आया था और अभी तो चल ही रहा है वेडिंग सीजन तो इससे बेस्ट टाइम और क्या हो सकता है तो ये लुक मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा तो चलिए रिक्रिएट करते हैं लेकिन उससे पहले कॉमेंट करके आपको बताना होगा कि मेरे जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे आए वीडियो पसंद आ जाए हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना बेलाइकन दबा देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने से पहले हमें अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करना होता है तो मेक मेकश्योर आपने किया हो तो अभी यहाँ पे हम लगाएंगे प्राइमर लेकिन आपको पता है मैं हूँ अपनी आदत से मजबूर हूँ क्योंकि मुझे करना होता है प्ले अपने बेस के साथ तो मैंने आज यहाँ पे ना अपना सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लिया है, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक से और साथ ही मैं यहाँ पे ये इनसाइड कॉस्मेटिक का ही क्रीम हाईलाइटर भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी जिससे जो मेरा प्राइमर है वो ज्यादा ग्लोई हो जाएगा जैसे कि आप लोगों को पता है जानवी कपूर की स्किन कितनी ज्यादा यूथफुल है कितनी ज्यादा यंग है तो हमें भी बिल्कुल सेम वैसा ही ग्लो मारना है तो मैंने दोनों की स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ले ली है और आपको अच्छे से इस दोनों चीज़ों को मिक्स करना है जैसे कि वो बाद में बिल्कुल भी केकी या पैची ना हो तो अच्छे से इसको मैं अप्लाई करूंगी जस्ट लाइक जैसे अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ बिल्कुल डॉट डॉट करके अपने फेस और नेक पर और बाद में हम इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हो ऑलरेडी कितना मॉइस्चराइज लग रहा है साथ ही प्राइमर जो हमने लगाया था वो ग्लो कर रहा है और कितनी मेरी स्किन शाइन कर रही है तो ऑफकोर्स ये है पास हुआ इसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ में स्किन से मैच करता हुआ एकदम कंसीलर लगाऊंगी अपने आईलेट्स के ऊपर भी मुझे अप्लाई करना है और बहुत ही कम क्वान्टिटी मुझे लगानी है बिल्कुल भी हमें ये केकी या बहुत सारी लेयर्स हमें ऐड नहीं करनी है बस वहीं वहीं जहाँ मुझे पिगमेंटेशन हुआ है और बाद में हम इसको डेब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे के बाद में लगाऊंगी यहाँ पे का फाउंडेशन ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है और ये गलती से बहुत ज्यादा ही निकल गया बट इट्स ओके हम इसको बहुत कम क्वान्टिटीटी चाहिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा और यहां पे ना मेरा एक फन एक्टिविटी करने का मन हो रहा था मैंने कहीं पर देखा था कि इस तरीके से सर्कल सर्कल करके अपने पूरे फेस में हम मेकअप मतलब फाउंडेशन कंसीलर सब कुछ करेंगे तो मेरे पास अभी फाउंडेशन ही था इस तरीके से लिक्विड में तो मैंने यहां पे अच्छे से डॉट डॉट बना लिए सर्कल्स बना लिए हैं और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी देखते कितना इक्वल ब्लेंड होता है कितना नहीं बट मैं सकता हूँ ढक्कन के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट मेरा चला गया था तो इसके बाद फेस और नेक मैंने अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं काफी ज़्यादा फनी लग रही हूँ और इसको ब्लेंड करते हैं और देखते हैं कि मेरा बेस कितना ज्यादा इक्वल हुआ है कितना नहीं तो देख सकते हो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड भी हो गया है तो ठीक है फनेक्टिविटी कर सकते हो इसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर लगा रही हूँ थोड़ा सा अपने अंडर आइज के अंदर ही लगाऊंगी बस और कहीं नहीं तो अच्छे से मुझे अप्लाई करना है और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी और इसको अगेन हम डेम्ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे आप देख सकते हो इस तरीके की छोटा सा स्टेप करने से हाईलाइटिंग कंसीलर लगाने से मेरी अंडर आइज में जो भी हल्का सा डार्कनेस थी वो भी चली गई और इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने मेकअप बेस को मैं सेट कर लूँगी लूज पाउडर की हेल्प से तो मैंने एक फ्लफी ब्रश में लिया है लूज पाउडर और अच्छे से अपने अंडर आइज में अप्लाई करूंगी थोड़ा सा जॉ लाइन पर अप्लाई कर लूँगी अपने फोर हेड पर जहाँ पर मतलब बेसिकली मुझे स्वेटिंग ज्यादा होती है अपने आईलेट्स के ऊपर भी अप्लाई कर लूँ जिससे कंसिलर क्रीज ना करें मूव करते हैं आई शेडोज की तरफ तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही न्यूट्रल सा ब्राउन पैलेट लिया है बहुत ही कलर्स जो थे एकदम नाके बराबर थे उनके आईज के ऊपर तो ये दोनों शेड को एक फ्लफी ब्रश में मैंने लिया है और अपने आउटर वी में मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इनको ब्लेंड भी कर दूंगी इनवर्ड डायरेक्शन में जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से ही करना बहुत ही स्मॉल स्टेप है लेकिन इससे आपका आई मेकअप काफी चेंज हो जाएगा और डिफरेंस आप खुद देख सकोगे अब एक क्यूट सा विंग हम ड्रॉ करेंगे और लाइनर अपने आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे क्योंकि उनके पूरे आई मेकअप में मुझे लाइनर ही था जो एकदम काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया मैंने अपनी दोनों आइलेट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है लाइनर जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है अब ये डार्केस्ट जो ब्राउन शेड है इसको लेके मैं एक एंगुलर ब्रश में अपने आईब्रोज को फिल करूंगी और बहुत ही नेचुरल रखना है बहुत हैवी नहीं करनी है बहुत लाइट नहीं रखनी एकदम नेचुरल जैसे भी पिक्चर्स में रहती है एक्सेस जो भी लूज़ पाउडर था उस सबको रिमूव कर लेंगे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से और यहाँ पे हमारा मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है और मूव करते हैं अब लोअर लेश लाइन के मेकअप की ओर तो मैं यहाँ पे अगेन ये दोनों शेड ही ले रही हूँ लोअर लेश लाइन के लिए और उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करते हुए अपनी लोअर लेश लाइन पर लगा रही हूँ ये स्टेप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वैसे लोग अवॉइड करते थे बट करना चाहिए और यहाँ पे मैंने एक और डार्केस्ट शेड लिया है इसको लेके बिल्कुल क्लोज़ क्लोज लेके अपनी लैश लाइन के बिल्कुल क्लोज मैं लगाऊंगी जिससे कि एक डेफिनेशन मेरी आइज को बहुत अच्छा सा मिल जाएगा क्योंकि हम कोई भी यहाँ पे काजल या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाले बस इतना ही हमारा आई मेकअप होने वाला है और इस छोटे से स्टेप से आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप कितना आगे चला गया है बारी आती है अपने फेस को डायमेंशन देने की तो मैंने यहाँ पे मार्क्स का पैलेट लिया है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैलेट है तो मैं अपने हॉलो ऑफ दी चिक्स पर अप्लाई करूंगी और जॉ लाइन पे अपने फोर हेड पर और बाद में एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अपने नोज को मैं भी कंट्रोल कर लूंगी जब से स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है नोज़ के लिए ना तब से नोज़ कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उनके पिक्चर्स में भी अच्छी खासी कंट्रोलिंग थी तो अपकोर्स आप कर सकते हो और आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा करनी चाहिए तो आप थोड़ा एक लेवल अप भी जा सकते हो तो यहाँ पे मेरी कंट्रोलिंग फिनिश हो चुकी है और अब मूव करते हैं हम ब्लश की ओर ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी का ब्लश लिया है कोरल ड्रीम और साथ ही मैंने अपना एक ब्राउनजर कह सकते हो खंडौर कह सकते हो कुछ भी उसी को लेके मैं यहाँ पे अच्छे से अपने फेस पे ब्लश अप्लाई करूंगी दोनों को मिक्स करते हुए क्योंकि मुझे उनके फेस पे ना ही तो पिंक दिख रहा था ना ही पीची बहुत ही अच्छा वाला एक ना ब्राउन शेड दिख रहा था तो साथ में हल्का सा एक पिंक पि... कोलर टाइप मिक्स कर लिया तो वो फाइनल लुक काफ़ी अच्छा रहा तो अपने एप्पल ऑफ दी चिक्स अपनी नोज़ और चेन पर मैंने अप्लाई किया है अब बारी आती है हाईलाइटर की तो मैंने यहाँ पे मास्क का ही पैलेट यूज़ किया है तो ऐसे ब्रिज ऑफ दी नोज़ अपने एप्पल ऑफ दी चिक्स पे अच्छे से अप्लाई करूंगी अपने क्यूपी एरिया चेन और फोर हेड पर और जहाँ ये जानवी कपूर है और उनको हाईलाइटर में नहाना बहुत पसंद है मैंने देखा उनके काफ़ी सारे पिक्चर्स में उनको हाईलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अच्छे से लगाती भी है और दूसरी जान भी कपूर मैं हूँ जब मुझे भी हाईलाइटर लगाना बहुत पसंद है तो आप ऑफकोर्स लगा सकते हो आप, क्योंकि ये एक पार्टी लुक है तो बिल्कुल लगाना भर बके भर जिससे कि आप शाइन कर सको ग्लो कर सको इसी के साथ मैं अपने इनर कॉर्नर्स और अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी क्योंकि ये स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है तो बिल्कुल ना भूलें आई मेकअप को हम कंप्लीट करेंगे मस्कारे से तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला मस्कारा लिया है मार्क्स कॉस्मेटिक का और इसके दो से तीन कोट ही आपको फॉल्सिस वाले ना इफेक्ट्स दे देते हैं अगर आपने ये मस्कारा अभी तक ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली करना क्योंकि ये सिर्फ कॉस्ट करता है टू के अंदर और इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट है ना अभी है, मैं आपको सिंगल कोट आपको लगा के दूंगी और देखोगे आप ये कितना जबरदस्त ये लग रहा है तो मैंने बाद में इसके एक से दो कोट और लगा लिए हैं और देख के आपको फाइनल लुक बहुत अच्छा लगेगा आप डिफरेंस खुद देख सकते हो इसके बाद मूव करते हैं लिप कलर पर और मैंने यहाँ पे है ना ब्राउन लिपस्टिक उन्होंने अप्लाई करी हुई थी बहुत ही न्यूट सा शेड था ग्लॉसी लिप्स थे उनके एकदम तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउन लिप लाइनर लिया है लाइट ब्राउन शेड में और उसको मैं अप्लाई करूँगी लिप कलर के लिए मैंने यहाँ पे एन वाई बे का ये लिपस्टिक यूज़ किया है ये फाइव इन वन लिपस्टिक है इसके अंदर आपको ये फाइव डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे न्यूड के अगर आप न्यू शेड्स बहुत लगाते हो और आपका बजट बहुत कम है तो ऑफकोर्स आप ये वाला पूरा फाइव इन वाला लिपस्टिक ले सकते हो इसमें बहुत ही अच्छे वाले शेड्स हैं और इसमें से सबसे लाइट जो शेड है उसको लेके मैं अपने लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और ये बहुत ही कमाल का शेड है अब मैं यहाँ पे ग्लॉस अप्लाई करूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक का उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा जूसी और एकदम प्लम्प लग रहे थे तो वही हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ग्लास लिया जो कि काफ़ी ज्यादा अमेजिंग है आ, इस ग्लॉस को ना कम से कम मैं जितना जानती हूँ आठ घंटे से तो ऊपर ही रहने वाला है क्योंकि इतना ज्यादा थिक फॉर्मूले का है ना कि आपके लिप्स को बहुत ज्यादा अच्छा एकदम नरिश करके रखेगा और लास्ट में अब हम सेटिंग्स पर लगाएंगे जो कि मैंने डीआईवाई लिया क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्बाद नहीं करती अपने कॉस्मेटिक को प्रोडक्ट को तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीआई कर लिया और मैं भूल गई इसका पंप इतना ज्यादा बुरी से खराब हो रखा है तो इस तरीके से मैंने मुंह पर जाकर सीधा इस लगा इसके बाद डेम्यूट्यू ब्लेंडर से मैं इस तरीके से डेवलप कर लूंगी जैसे जो भी मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारा स्किन में मेल्ट हो जाए और मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस लगे तो या दैट्स इट फाइनल लुक आप देख सकते हो कि इस मेकअप लुक को मैं अपने वेस्टर्न लुक के साथ भी करूंगी तो ये उतना ही अच्छा लगेगा और अभी फॉल ऑटम जैसा टाइम चल रहा है विंटर सीजन आने वाला है वेडिंग सीजन में आने वाला है तो ऑफकॉर्स आप ये लुक कर सकते हो अपने वेस्टर्न के साथ भी और एथनिक के साथ तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ क्योंकि तो होने वाला है जानवी कपूर से इंस्पायर्ड मेकअप लुक मैंने कोशिश करी है काफी तक सिमिलर रखने की गजरा लगाया है हरे ईयर पहने हैं झुमके साड़ी का कलर मैच करने की कोशिश करी है और ये पर्सनली ना मैं कहूँ कि पूरा लुक जो इंस्पायर्ड हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा ऑफकोर्स मैं इसको दोबारा अपने किसी भी फंक्शन में रिक्रिएट कर सकती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मेरा इंस्टा हैंडल है चेंज एक्सप्रेस और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि पूरा लुक कैसा लगा चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय